अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में कर लेते हैं। हमारी जेल में सुरंग, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी विजय कश्यप के पीछे जाओ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, प्रीति शुभेच्छा। यहाँ तो आसाम है, बंगाली बोल रहा हूँ थोड़ी सी। प्रीति शुभेच्छा, भालो बाचा रोई लो, बहुत बहुत नमस्कार। पाठशाला में मैं पहली बार आया हूँ, मगर जो सम्मान आप लोगों ने यहाँ पर दिया है मैंने जिंदगी में कहीं पर नहीं देखा। ये आपकी तालियां, आपकी सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, बजाते रहो। सबसे पहले मैं सम्मान करता हूँ यहाँ के आसाम के असेंबली के स्पीकर साहब का, अभी बोल रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, और पाठशाला राख महोत्सव के पूरी कमेटी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। और हमारे खासकर विजय कश्यप, जोरदार तालियां बजाई इनके लिए। इनकी बहन मधु बहन और सोनी मणि, सोनी मणि किधर गई हैं, से कल्चरल सेक्रेटरी सोनी मणि भैया, थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े महोत्सव में आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, अपनी तरफ से, आए हुए कलाकारों की तरफ से, और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ आपका, आपने निमंत्रण दिया। आसाम का सबसे बड़ा रास महोत्सव है ये, भगवान कृष्ण की लीला का जो आपने वर्णन किया, ये बहुत कमाल का है। हम तो पूरे यूपी राजस्थान मथुरा से आते हैं, तो बहुत कमाल है। और आसाम में इतना बड़ा महोत्सव जो पूरे पूरे आसाम में चलेगा 15 दिन, इसके लिए मैं समझता हूँ मैं बड़ा बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। कलाकार के पास बड़े बड़े बंगले हो, मोटर हो, गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, दर्शक की ताले नहीं तो सब अन्ना सब बेकार। मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे जिनके पास बंगले थे, मोटर, गाड़ियां सब थे, मगर दर्शक नहीं था, सब अन्ना सब बेकार। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, सिंगापुर, फिजी आइलैंड, दुनिया के हर कोने में जा चुका हूँ, मगर वो सम्मान कलाकार का आसाम में होता है, दुनिया का किसी कोने में नहीं होता। ये तालियों ने मेरी जिंदगी बना दी भाई। सुनाऊंगा, डेफिनेटली सुनाऊंगा, पर एक बात बोलता हूं कि हमारा जो कल्चर है आपने जिंदा रखा है,
ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गर्व है, ये कमाल है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा ऐसा। और ये लोग मनाते हैं, जब आसाम से जाते हैं अमेरिका इंग्लैंड ये मनाते हैं, ये मैंने न्यूयॉर्क में देखा है, ये बहुत कमाल का सामान है। देखिए बात क्या है, मैं इन ऑर्गेनाइजर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमने सामने मौका दिया। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देख नहीं सकते। टेलीविजन पे आप हमको देख सकते, हम थोड़ी देख सकते। तू ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे, जूता मारे, हमको क्या मालूम। मगर ये मौका है, ये मौका है, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मेरे को देख सकते हो। और बीच में कोई डायलॉग नहीं, सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर है। चुप रे, क्या है, बोलने दे बेटा। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है। एक डायरेक्टर मुझे बोला, असरानी तुम पेड़ के नीचे खड़ा है, तेरी प्रेमिका आई नहीं, तू क्या करोगे। मैंने कहा मैं घड़ी देखूंगा, आए क्यों नहीं साली, इधर उधर घूमूंगा, गार्डन में पेड़ के नीचे बैठा। बोले नहीं, मद्रास के डायरेक्टर बहुत बड़े, इस फिल्म का नाम था निशाना, आप देखना टीवी पर आएगी, आती रहती है, जितेंद्र हीरो डायरेक्टर बहुत बड़ा, मुझे बोलता है तुम पेड़ की पत्तियां खाओगे। मेरे को मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप जानवर था, बोले नहीं करना पड़ेगा, और मैंने किया। आप फिल्म का नाम निशाना, जितेंद्र हीरो, और मैंने उछल उछल के पेड़ की पत्तियां खाई। क्या करे, करना पड़ेगा, मगर यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं, यहाँ कोई डायलॉग नहीं, यहाँ मैं हूँ और आप हैं और मेरे जिगर के आसाम के लोग हैं। आपने देखा होगा पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में 60-70 साल का हीरो अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में पास हो। माँ बोलती, राजू तू स्कूल कब गया था हराम खोर। आपने देखा होगा हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बर्फ गिरती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं, सुबह उठ के हिरण बोलती है, ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, तू झोपड़ी में घुसती क्यों, तेरे बाप ने बोला था। मैं सती सावित्री का डायलॉग बोलना पड़ता है, मगर ये रूबरू मुलाकात कई बार भारी पड़ जाती है। कभी आप बॉम्बे आएंगे, मुंबई आएंगे, एक फिल्म शूटिंग है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, भूल भुलैया अक्षय कुमार था उसमें, और सामने शूटिंग चल रही थी शाहरुख खान की ओम शांति ओम। एक पति पत्नी मेरे पास आए 6 महीने का बच्चा लेके, असरानी तेरी फिल्मों को देखा है यार। मैंने कहा थैंक यू, मेरे बच्चे को गोद में ले लो। मैंने ले लिया, 6 महीने का बच्चा, उसको बोल रहे असरानी बेटा, असरानी, अपने बाप को नहीं पहचानता, असरानी को कैसे पहचानेगा, वो बच्चा देख रहा है कौन असरानी। और सामने शाहरुख खान की गाड़ी आई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। अरे मैंने कहा बच्चा, बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान कहाँ मिलेगा। तो कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है, मगर ये मौका है आसाम गवर्नमेंट का, यहाँ के लोगों का, ऑर्गेनाइजर का, और पाठशाला के इस कमेटी का, जिन लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं बोलता हूँ अटेंशन। हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज
अकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में कर लेते हैं। हमारी जेल में सुरंग, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी विजय कच्छप के पीछे जाओ। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती, मगर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हम जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो, अरे हम नहीं सुधरे तो पाठशाला वालों तुम क्या सुधरोगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं फिर आऊंगा आपके सामने। थैंक यू सो मच। आमी सदार आश्वादी देवक धन्यवाद जानाइछो। एखिनिते आमी तेखेतक पाठशाला राघव उत्सवर तरफर परा सम्बोधना ज्ञापन करिबले आगबाढ़िछो। तेखेतक पाठशाला राघव उत्सवर तरफर परा सम्बोधना ज्ञापन करिब राघ महोत्सव समितिर माननीय सभापति श्रीजुत भूपेन्द्र नाथ शर्मादेवे।